दिस न्यूज इज ब्रॉट यू बाय आस्था इंस्टीट्यूट इसपुर ऊना। श्री चंद जी महाराज का 528वां प्रकाश उत्सव डेरा बाबा श्री चंद पूर्ववाल में 5 सितंबर को धूमधाम से मनाया गया। इस साल समागम पर बाबा जी के दरबार को 4 क्विंटल फूलों से सजाया गया। गेंदे के रंग बिरंगे फूल डेरे की शोभा को 4 चांद लगा रहे थे। समागम की तैयारियां 1 सप्ताह पहले से ही शुरू हो गई थी। श्रद्धालु दिन रात डेरे की सेवा में जुटे हुए थे। वहीं देश विदेश से हजारों श्रद्धालु बाबा के दरबार में नतमस्तक होने पहुंचे। समागम की शुरुआत डेरा प्रमुख बाबा संतोष दास बिट्टू ने दी। सबसे पहले सुबह 8 बजे श्री निशान साहिब चढ़ाने के बाद अखंड पाठ के भोग डाले गए। वहीं भाई मनजिंदर सिंह रायपुर पंजाब वाले लखबीर सिंह बाबा जगदीश सिंह संगत को गुरवाणी व प्रवचनों से निहाल कर रहे थे। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए हरोली से वी कौंडल के साथ मुनिंदर अरोड़ा की रिपोर्ट। ज्ञानम संस्थान ऊना हर प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं की कोचिंग करवाने में बेहतर रोल अदा कर रहा है और प्रशिक्षकों की पहली पसंद बना हुआ है। हमारे ज्ञानम संस्थान हिम फोकस एजुकेशन ऊना में अनुभवी स्टाफ प्रशिक्षकों द्वारा बैंकिंग SSC HAS एलाइड पटवारी सब इंस्पेक्टर टैट TGT आर्ट्स नॉन मेडिकल मेडिकल क्लर्क आदि की गुणवत्तापूर्ण कोचिंग करवाई जा रही है। अब तक विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रशिक्षित हुए अभ्यर्थी सरकारी नौकरियां हासिल कर संस्थान का नाम रोशन कर चुके हैं। गरीब परिवार से संबंधित छात्रों को संस्थान में विशेष छूट दी जा रही है। इसके अलावा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर भी छूट दी जा रही है। इन कोर्सेज की तैयारी के लिए इच्छुक छात्र एडमिशन लेने के लिए संपर्क करें प्रबंधक अमित भाटिया ज्ञानम संस्थान नंगल रोड ऊना मोबाइल नंबर 7009591866। हिमाचल प्रदेश छठे वित्त आयोग के अध्यक्ष सतपाल सत्ती के कुशल नेतृत्व में ऊना विधानसभा क्षेत्र विकास की ओर अग्रसर है। क्षेत्र में बहुमंजिला मिनी सचिवालय अत्याधुनिक बस अड्डा दिव्यांग कौशल विकास केंद्र सहित भव्य भवनों का निर्माण किया जा रहा है। 22 करोड़ की लागत से ऊना शहर में 7 नालों का निर्माण कर शहर को बरसाती पानी से निजात दिलाई है। इसके अलावा जल शक्ति विभाग के माध्यम से हर घर में नल से पीने का पानी पहुंचाया गया है। पेयजल व सिंचाई योजनाओं पर 200 करोड़ रुपए से अधिक राशि खर्च की गई है, जबकि विधानसभा क्षेत्र में करोड़ों रुपए व्यय कर सड़कों का जाल बिछाया गया है। स्कूल व ITI भवनों खेल मैदानों पार्कों के निर्माण से सुविधाओं को जुटाया जा रहा है। ऊना में मदर चाइल्ड हेल्थ यूनिट ट्रॉमा सेंटर व PGI सैटेलाइट की सुविधा स्वीकृत की गई है। भाजपा सरकार के कार्यकाल में ऊना विधानसभा क्षेत्र की दशा व दिशा को बदला गया है। ऊना की जनता की अब यही पुकार सतपाल सिंह सत्ती अब की बार। आस्था इंस्टीट्यूट ईस्टपुर में दाखिला प्रक्रिया शुरू हो गई है। आस्था इंस्टीट्यूट के चेयरमैन RS राणा ने बताया कि हमारा इंस्टीट्यूट राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम मंत्रालय भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट है। इंस्टीट्यूट पिछले 12 वर्षों से बच्चों का भविष्य उज्जवल कर रहा है।
इंस्टीट्यूट में 11 ट्रेड चलाए जा रहे हैं, जिसमें फैशन डिजाइनिंग, होटल मैनेजमेंट, ब्यूटिशियन, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग इलेक्ट्रिशियन, फिटर, एसी एंड रेफ्रिजरेशन, डीजल मैकेनिक, प्लम्बिंग, एडवांस फैशन डिजाइन ट्रेड चलाए जाते हैं। इंस्टीट्यूट में 10वीं 12वीं पास विद्यार्थी कोई भी दाखिला ले सकते हैं। दाखिला पहले आओ पहले पाओ के आधार पर दिया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें आस्था इंस्टीट्यूट, गगरेट रोड, ईसपुर, ऊना, 9459778011। सूरज है तू, ये अंधेरा मिटा दे तू, जल उठे चिराग और भर के तुम दिखा दे तू, उम्मीद का सूरज है तू, ये तमस मिटा दे तू, जल उठे चिराग और भर के तुम दिखा दे तू, कस कमर को जोर से अब तुझे निकलना है, सोचा है वो करना है, न झुकना है न डरना है, मिला के